हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब, और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों, अभी मैं आया हूं दिल्ली जू देखने के लिए। अगर आप यहां पे आने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किस तरीके से आप यहां पे आ सकते हैं, टिकट लेने का क्या प्रोसेस है और किस किस दिन खुला रहता है। वीडियो में मैं आपको दूंगा पूरी जानकारी, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखेंगे दिल्ली जू को। दिल्ली जू जाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुक करवानी होगी। ऑनलाइन टिकट बुक करवाने के लिए आपको जाना है www.nzpnewdelhi.government.in के वेबसाइट पे, और आप यहाँ पे जू के बाहर भी आप देखेंगे QR स्कैन कोड यहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्ट टिकट बुक करवा सकते हैं। और टिकट बुक करवाने के बाद आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। एंट्री की जो टाइमिंग है वो मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे ऑफ है, सैटरडे और संडे यहाँ पे दो स्लॉट में एंट्री दी जा रही है, एक 8 से 12 और 12 से 1 के बीच में जो सफाई और मेंटेनेंस का टाइम है वो होता है, और उसके बाद 1 से 5 बजे तक आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बाहर मैप लगा हुआ है दिल्ली जू का, कौन सा जानवर कहाँ पे और किस तरीके से आपको अंदर जाना है, ये सारी जानकारी आपको बाहर यहाँ पे मिल जाएगी इस बोर्ड पे। आप इस बोर्ड को देख के जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आप अच्छे तरीके से सारे एनिमल को देख सकते हैं। ये जो एंट्री यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे आप अपने साथ कोई भी चीज़ खाने पीने की अंदर नहीं ले जा सकते हैं, आपको सारी चीज़ बाहर ही रखवानी होगी। बाहर क्लॉक रूम बना हुआ है, मात्र 5 रुपये देकर के आप अपना सामान यहाँ पर रखवा सकते हैं। एंट्री करने के साथ आपको ये देखिए इस तरीके की बोर्ड आपको दिखेंगे, जहाँ पे सारे जानवरों के बारे में कुछ कुछ छोटी चीज़ें बताई गई है, और यहीं से आपका जू का सफ़र स्टार्ट होता है और आपको यहाँ से सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे। जो स्टार्टिंग एरिया है उसमें बर्ड रखे गए हैं और कुछ हिरन, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम पहले एंट्री कर लेते हैं और देखेंगे कौन कौन से एनिमल अभी दिल्ली जू में हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ अभी, और देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें एक डक मिला था, इसका बना लीजिए। और इसके बाद अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो यहाँ पे बैटरी कार की भी सुविधा है, जिसे आप मात्र 70 रुपीज़ दे के बुक करवा सकते हैं। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो 400 के साथ आप 1 घंटे के लिए पूरी कार को बुक करवा सकते हैं, जो आपको पूरे जू में एक राउंड लगा के सारे जानवर आपको दिखा देगा। ये जो रेट लिस्ट है एडल्ट के लिए 70 रुपीज़, चाइल्ड के लिए 30 रुपीज़। जो बच्चों की एंट्री है, अगर बच्चा 5 साल का है तो फ्री एंट्री है, 5 से 12 साल के लिए आपको हाफ टिकट यहाँ पर देना होगा। हम यहाँ पे पैदल ही घूमने वाले हैं पूरे जू को, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे एनिमल अभी जू में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको कुछ बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए काफ़ी हरियाली है यहाँ पे और एक अलग ही नज़ारा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे मंकी भी आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग तरीके का। यहाँ पे एक मंकी था, इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, शेर पूंछ बंदर, जो बिल्कुल कोने में छुप के बैठा हुआ था। आपको हिरन काफ़ी सारे मिलेंगे, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिरन आपको मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे, 12 सिंगर मिल जाएंगे और काफ़ी मिल जाएंगे स्टार्टिंग में, तो यह आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट वीडियो में करना ना भूलिए, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पैरेट भी आपको मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के यहाँ पैरेट भी आपको मिल जाएंगे, और काफ़ी वैरायटी है बर्ड्स की जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा और वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बच्चों के लिए तो एक अलग ही चीज़ है, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं ये सारी चीज़ें देख के, जबकि वो अभी तक चीज़ों को किताबों में ही देखते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में देखते हैं तो उनका एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका, अगर आपको नाम पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, किनको किनको इसका नाम पता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाइट हिरन है, काफ़ी खूबसूरत था ये देखने में।
श्वेत मिर्ग वाइट बक, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए मजे से अपना सो रहा था ये पानी में। यहाँ पे आपको जो भी एनिमल देखने को मिलेंगे वो इतने एक्टिव देखने को नहीं मिलेंगे, काफी बिल्कुल सुस्त यहाँ पे सारे एनिमल मिलेंगे। किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपने मजे में पड़े हुए खा रहे हैं पी रहे हैं मस्त। ये देखिए ये एक अलग ही बर्ड था, इसकी चोंच काफी बड़ी है। और ये लायन बस मजे से अपने बैठा हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीकन एलिफेंट है, ये पूरे टाइम इस टाइप से डांस कर रहा था, ऐसा लग रहा था बेली डांस कर रहा है। ये अफ्रीकन एलिफेंट है, ये बिल्कुल आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डांस कर रहा है। और ये इंडियन एलिफेंट, दोस्तों दिल्ली जू में आपको इतने सारे तो एनिमल नहीं मिलेंगे, कुछ ही एनिमल अभी यहाँ पे हैं। जो पहले का जैसा था कि आपको सारे एनिमल देखने को मिल जाते थे, अब वैसा नहीं है, काफ़ी कम एनिमल्स हैं यहाँ पे। बट ठीक ही है, स्टार्टिंग में आप जा रहे हैं देखने के लिए, आपने इससे पहले नहीं देखा है चीज़ों को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी चीज़ है। ये देखिए घड़ियाल भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नकली घड़ियाल है, कोई मूवमेंट नहीं था इन सारी चीज़ों में। हाँ बट देख के मजा आ रहा था एक, हाँ जब आप सामने से देखते हैं बिल्कुल। और ये चीता, इसकी तो बात ही अलग थी, बिल्कुल मजे से बैठा हुआ था अपने। कुछ एनिमल एक्टिव दिख रहे थे जैसे कि ये चीता, लायन में तो कुछ भी मूवमेंट था ही नहीं। क्या कर रहा है? लास्ट में स्नेक के लिए यहाँ पे बना हुआ, जहाँ पे आपको काफी अलग अलग प्रजाति के स्नेक भी देखने को मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्नेक यहाँ पे रखे हुए हैं ग्लास के अंदर, तो उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जब आप पूरा चिड़ियाघर घूम के बाहर निकलने वाले होंगे तो ये एंड में आपको देखेगा स्नेक का। ये देखिए ये अलग अलग प्रजाति के सांप यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और ये पक्षियों का राजा आप कह लीजिए इसको, शुतुरमुर्ग, ये भी काफी एक्टिव था, इसको भी देख के मजा आया। इसको जूम करके देखते हैं, देखिए हाइट तो बिल्कुल, अगर आप इसके सामने खड़े होंगे तो ये आपसे भी काफ़ी बड़े हाइट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमने पूरा जू घूमा था अभी संडे में, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग बाहर निकले थे फैमिली के साथ बच्चों के साथ में, तो काफ़ी मज़ा आया घूम के। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नेशनल जूलॉजिकल पार्क घूमने का, तो आप लोग भी आ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग पहले ही अपने लिए ऑनलाइन टिकट बुक करवा लीजिएगा, तभी जाइएगा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड आ रहा है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। तो आप वहाँ पे जाके टिकट बुक करना चाहेंगे तो आप पॉसिबल नहीं है कि आपको टिकट अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप पहले से ही टिकट बुक करवा लीजिए, और ऑनलाइन ही टिकट आपको बुक करना होगा, जिसका वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप यहाँ पर nzpnewdelhi.government.in के वेबसाइट से जाके बुक करवा सकते हैं। बच्चा अगर आपके साथ है तो 5 साल तक के लिए फ्री है, और 5 से 12 के लिए यहाँ पे हाफ टिकट लगेगा, और बाकी नॉर्मल एडल्ट के लिए जो टिकट प्राइस है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।